नमस्कार बच्चों, मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हैं फिजिक्स क्लास। ठंड है फिर भी डीओई को वर्कशीट देने का घमंड है। कोई बात नहीं, कार्यपत्र 59। प्यारे बच्चों, 3/1/2022, पिछली साल हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था 3/1/2021, लेकिन अब की बार 3/1/2022 का फर्क चल रहा है। विषय गणित, कक्षा गलत है, विद्यार्थी का नाम और कक्षा अध्यापक का नाम। चलो आगे पढ़ते हैं। इन्होंने जो दिया है आज स्पर्श रेखा का खींचने, इससे पहले भी खींच रहे थे, लेकिन क्या है, एक से अधिक वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं खींचना। पैंट नहीं खींचनी किसी की, ठीक है? तो स्पर्श रेखाएं खींचनी है। उदाहरण एक है, जो उदाहरण लिया गया है, उदाहरण तो आप देख के समझ भी जाते हैं, लेकिन कहां से लिया गया है प्यारे बच्चों, अगर आपके पास बुक है तो मैं आपको जरूर दिखा देता हूँ। 11.2, ठीक है, यहां से आपकी प्रश्नावली शुरू हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां आपका उदाहरण दिया गया है, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचे, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर एक दूसरे वृत्त के केंद्र में मतलब फलाना निकालना, इस पर रेखाएं खींचिए। तो सेम क्वेश्चन आपका दिया गया है, अगर आप इसे उदाहरण अगर कर लेते हैं तो आपका 12.2 क्वेश्चन नंबर 5 ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन चलिए, आप अगर प्रयास कर चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ प्रयास कीजिए, स्वयं प्रयास कीजिए पर लगाने जा रहा हूं, ठीक है? नीचे क्या लिखा है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई से सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, स्कूल बंद कराएं पहले तो। चलो प्रश्न नंबर 1, 10 सेंटीमीटर लंबा एक वृत्तखंड ए बी खींचिए, ए को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। वृत्तम वृत्त खींचिए और प्रत्येक वृत्त एक दूसरे का स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो चलो, स्पर्श रेखा की रचना कैसे करनी है आपने देख चुके हो, तो चलिए स्टार्ट जल्दी से करते हैं। तो सबसे पहले आपको ले लेना एक सादा पेज, तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, ठीक? तो चलिए एक ए बी बनाते हैं 10 सेंटीमीटर की, ठीक है? तो अगर थोड़ा बहुत धुंधला दिखाई दे तो प्यारे बच्चों एडजस्ट कर लेना, क्योंकि कैमरा जो है वो थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट होता रहता है, ठीक है? तो ये है आपका इस पेन से ए, इस पेन से आपका मैं बी कर देता हूं, ठीक है? अब आपको केंद्र ए से 3 सेंटीमीटर लेना है। केंद्र ए से अगर 3 सेंटीमीटर यहां पे लूं तो यहां पे 3 सेंटीमीटर इसमें ऐसे भर लेंगे, और इसका एक निंजा टेक्निक से, मेरे पास तो निंजा टेक्निक है, शायद आप लोगों के पास नहीं होगी, तो मैं इस प्रकार से बना दूंगा, मस्त बना है, ठीक है? चलो अब इस तरफ मैं 5 सेंटीमीटर ले लूंगा, तो 5 सेंटीमीटर आ जाए भैया इसमें 5 सेंटीमीटर का, ठीक है? तो चलिए झिंगा लाला दोबारा से कर देते हैं, बी को केंद्र मान का 5 सेंटीमीटर बाहर में चला जाइए भाई भाई, ठीक है? ये बन गया, ठीक है? वाजी वाह, ठीक है? ये आपका है 3 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है? अब ए बी का समद्विभाजित भाजित करना है, ए बी का मतलब आधा करना होता है, किसी भी पॉइंट को, किसी भी लाइन को आधा करने के लिए उसे आधे से हम ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है? आधे से ज्यादा चाप कितना भी ले सकते हैं, एक पॉइंट यहां काट देंगे, एक चाप यहां काट देंगे नीचे, ठीक है? पॉइंट फिर ए से चाप एक यहां लगाएंगे, एक चाप यहां लगाएंगे, ये दोनों कहीं ना कहीं कट जाएंगे, फिर इन दोनों का क्या कर देना है, मिलान कर देना है, इन दोनों का भरत मिलाप कर देते हैं एक बार, ठीक है? तो डॉट 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 करते करते आते हैं हम, डॉट 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 थोड़ा सा आगे पीछे हो गया मेरा ना प्यारे बच्चों, याद रखना पेन से बना रहा आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको किससे बनाना है, पेंसिल से, ठीक है? क्योंकि पेन से अगर एक बार बनाओगे तो गलत हो जाएगा। तो ये जहां पे कटता है वो बिंदु हम सी मान लेते हैं, बिंदु सी। अब बिंदु सी से, ठीक है, देखो प्रकार हिल गया मेरा, हो गया काम, काम हो चुका भैया, ठीक है? इसको पॉइंट सी से केंद्र मानेंगे और ए को त्रिज्या मान लेंगे यहां से। अब इसको एक एक पॉइंट 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 करते के, देखो मेरा बिगड़ गया प्यारे बच्चों, इसी वजह से कह रहा हूं, तो अच्छे से करना आप लोग ताकि गड़बड़ ना हो, ठीक है? ताकि गड़बड़ ना हो, ठीक है? कर लेंगे, खींच लेंगे, देखो ठीक है ना, गड़बड़ हो गई यहाँ पे, तो इसी वजह से प्यारे बच्चों इस गड़बड़ी के लिए सॉरी, लेकिन आप पेंसिल से बनाइएगा ताकि गड़बड़ हो जाए उसे हम ठीक कर सके, ठीक? तो इसका नाम दे देते हैं, ये जहां पे कटता हुआ पी, ये क्यू, ये आर, जो यहां से कटा है आर, और ये आपका एस हो जाएगा। अब इसी को हमें मिला देना है केंद्र से, ठीक है? पहले एक केंद्र ए ले लेते हैं, केंद्र ए से एस को इस तरफ से देखते हैं, मिला देते हैं, ठीक है? तो ये रहा, अगर कैसे खींच देते हम,
ये रहा वन, और इसके अंदर से ये स्पर्श रेखा जा रही है आर पे, आप देख ही सकते हैं। ठीक है, ये रही। और इस अब केंद्र बी से, अब देखो स्पर्श रेखा यहां पे दो हो गई, अब ये वाली की ये वाली, इसीलिए दोनों को वहीं जाना चाहिए। चलो इसी वजह से आप लोग पेंसिल से बनाइएगा, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़ और टीचर डांट देंगे, फिर आप दोबारा बनाना पड़ेगा और क्या। चलो तो ये आपकी स्पर्श रेखा दोनों बन गई प्यारे बच्चों। ठीक, अब साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब इसकी रचना लिख लेते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा, मस्त स्पर्श रेखा जा रही है, हो सकता है आपको थोड़ा सा साइड से आए क्योंकि मैंने देख रखा है एक और पहले बना रखा है। ठीक, तो चलिए इसकी जो है रचना किस प्रकार से लिखेंगे, रचना का आप स्क्रीनशॉट इस प्रकार से ले सकते हैं। प्रश्न नंबर एक की रचना है, एक रेखाखंड ए बी 10 सेंटीमीटर खींचिए। ठीक है, एकदम खींचते रहिए, जो जो हमने बनाया वही वही हमने लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक का स्क्रीनशॉट लेके अब चलिए क्वेश्चन नंबर दो पे चलते हैं फटाक से, क्या कह रहा है जल्दी से बना देते हैं। ठीक है, तो सेम चीज है लेकिन अब इसको हम जल्दी समाप्त कर लेंगे। ठीक है, ये रहा, 9 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, इस रेखाखंड के दोनों ओर सिरों पर 4-4 सेंटीमीटर के दो वृत्त खींचिए, प्रत्येक वृत्त पर एक दूसरे वृत्त के स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। चलो ठीक है, मतलब क्योंकि बार कुछ झंझट नहीं करना है, 2-3 सेंटीमीटर का जो किनारे किनारे वृत्त है वो एक ही का है। तो चलिए, तो रेखा कितनी लंबी थी वो आपकी 9 सेंटीमीटर, तो यहां से 9 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, ये इसे मिला देते हैं। इस पॉइंट का नाम हो जाता है आपका, पेन पेन का है, पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है आपका बी। ठीक है, 4-4 सेंटीमीटर की बात हुई थी, तो 4-4 सेंटीमीटर देखो यहां से ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर यहां से ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर की बात हुई थी ना। ये बन के तैयार हो गया, देखो पेन से कर रहा था इसे, देखो थोड़ा सा एरर हो गया ना, इस वजह से आप लोग पेंसिल से ध्यान से करिएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर दो था, क्वेश्चन नंबर दो का सॉल्व इस प्रकार से हो गया। और इसकी रचना कैसे लिखेंगे, तो प्यारे बच्चों इसकी रचना लिखना बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर एक आप देख रहे हो, इसी को क्वेश्चन नंबर हम दो बना देंगे, इसी को क्वेश्चन नंबर हम दो बना देंगे, और इसके उत्तर में ये है 10 सेंटीमीटर जगह हम कर देंगे 9 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर जगह 4 सेंटीमीटर था, ये भी 5 सेंटीमीटर जगह 4 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों 4-4 सेंटीमीटर के थे। सेम पॉइंट चीज लिख देनी है आपको, नीचे तक सब सेम है। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, और ये वर्कशीट तो आपको फिर से पकड़ ली है। ठीक है, देखते हैं वर्कशीट कब तक देते हैं, छुट्टियों को मतलब क्या रह जाता है ये डीओ ही जाने। मैं इस वीडियो को देख लिया, धन्यवाद, तब तक लिए जय हिंद भारत।